बहुत बड़ा चीज ऑर्डर किया था मगर मुझे समझ में नहीं आया था कितना बड़ा है। वो अभी मेरे घर में पहुंच चुका है, मैं आपको दिखा दूंगा। ये रहा बॉक्स, ये बहुत बड़ा दिख रहा है और वेट भी बहुत ज्यादा है, तो इसका अनबॉक्सिंग करना जरूरी है। सब कुछ मैं आपको एक एक करके दिखा दूंगा, तो ज्यादा देर नहीं करते हुए मेरे वीडियो पे बने रहिए। कम ऑन लेट्स अनबॉक्स दिस बॉक्स, कम ऑन। Guys, what's up? Hi, myself DJ Kinath and you are watching the Adventure Club Guwahati। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और राइट हैंड साइड में जो बेल का आइकॉन है इसको भी प्रेस करके थोड़ा पुण्य कमा लीजिए और हमें भी पुण्य कमाने का मौका जरूर दीजिए, तथास्तु। तो ये मैंने ऑर्डर किया था Amazon से, इसका प्राइस है 1799, लगभग 1800 rupees। सो काफी महंगा बॉक्स है, तो इसको खोलते हैं। चलिए चाकू लेके आते हैं। लगता है किसी ने पहले ही खोल के रखा है, मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है। चलिए एक बार देख लेते हैं। तो इसी चाकू से हम इस बॉक्स को अनबॉक्स करेंगे, तो चलिए काटते हैं इसको। डर भी लगता है अगर कुछ टूट फूट जाएगा, कुछ अगर कट जाएगा तो खराब लगेगा, इसलिए ध्यान से काटना पड़ रहा है। तो ये रही बॉक्स, हम लोग काट लिए हैं। पैकिंग बहुत अच्छी तरह से किया है, साइड में फोम भी डाला हुआ है, बहुत सारा फोम है। सबसे पहले तो मैं इसको निकालूंगा, थोड़ा ऊपर करो कैमरा। ये एक चीज़ है, फिर से फोम डाला गया है और ये स्क्रूज, और ये निकला एक बॉक्स, काफी भारी है, और एक बॉक्स ये भी काफी भारी है। ये हो गया मेन बॉक्स का अनबॉक्स, और उसके बाद ये छोटा और ये दो मीडियम साइज का बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं, और वो भी ये चाकू। कभी कभी पैकिंग में अगर गड़बड़ी हो जाती है तो टूट जाता है सामान, तो इसीलिए हमको भी चेक करना पड़ेगा ऐसा है। अगर टूटा है तो फिर से रिटर्न करना पड़ेगा। रिटर्न करना तो बड़ी बात नहीं है, मगर जो एक्साइटमेंट में चीज़ ऑर्डर करते हैं वो थोड़ा फीका पड़ जाता है, बाकी कुछ नहीं है। फिर से एक रैपर है और इसको फाड़ना जरूरी है। वाओ वाओ, इट्स अमेजिंग, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। बॉक्स के अंदर बॉक्स, बॉक्स के अंदर बॉक्स, ध्यान से निकालना पड़ेगा नहीं तो यहाँ पे स्क्रैच पड़ जाएगा तो दिखने में खराब लगेगा। ये रही, ये है सामान। ये एक्चुअली वुड का है, दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है और हैवी भी है। इसमें स्क्रू डाल के यहाँ पे दीवार में टंगा देंगे। एक्चुअली वो दीवार के लिए मैंने ये ऑर्डर की थी, क्योंकि कलर अलग अलग है, मल्टी कलर है। मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ, इस बॉक्स में कलर दूसरा होना चाहिए। तो ये रही तीन सामान। फिर खोलते हैं इस बड़ी वाली बॉक्स को, बड़ी मतलब मीडियम। से पहली वाली तो बहुत अच्छे से खुला था, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, डिफेक्ट भी नहीं था, इंशाल्लाह इसमें भी डिफेक्ट ना निकले। इसमें तीन बॉक्स दिया गया है, ये स्क्वायर टाइप का है, ये शेप में दो है और एक बड़ी वाली है, बीच मतलब मीडियम टाइप का है, मीडियम साइज का है। ये एक्चुअली मल्टी कलर ही है, मुझे लग रहा है कि इसमें व्हाइट कलर की आएगी। मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें आएगा। तो ये रही
थी ओरिजिनल चीज, मगर यहाँ से तो हमको आइडिया नहीं हो रहा है किस टाइप से आएगा डिजाइन। में लगा के आपको दिखा दूंगा, जरूर दिखा दूंगा। एंड नाउ दिस इज द एग्जैक्ट डिजाइन, दिस डिजाइन। ये सामान अभी घर में जो आ चुका है, ये सामान काफी अच्छा लग रहा है, अच्छा दिख रहा है, हैवी है, इसीलिए स्क्रू लगाना बहुत जरूरी है। मैं तो पहले जो अमेजोन से ऑर्डर किया था ये वाली पेंटिंग, इसमें सिर्फ गम लगा के चिपकाना था, गम लगा हुआ था, रेडीमेड था। सिर्फ ये मैं सामान फैंसी बाजार से लेके आया उस दिन, और ये सामान अभी है, मगर मुझे नहीं लग रहा है कि इतना बड़ा चीज़ इस छोटी सी दीवार पे लगेगी। तो मुझे कुछ अलग तरीका सोचना पड़ेगा, अलग जगह ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे लगाने से बहुत बढ़िया लगेगा। गाइज, आज का वीडियो मैं यहीं तक खत्म करूंगा, क्योंकि इसके बाद मैं जो ये लगाऊंगा वो सेकंड वीडियो में मैं लगाऊंगा, तो इसीलिए बने रहिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बोलिए, अच्छी लगी लाइक कमेंट शेयर एनीथिंग यू कैन डू दैट। नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेंगे, टिल देन जय हिंद, वंदे मातरम, एंजॉय इट, बाय बाय। तो सबसे बड़ी चीज तो यही है कि ये जो गंदा किया है हम, इसको साफ करना जरूरी है, साफ करना पड़ेगा नहीं तो गाली खाएगा। चलो साफ कर लेते हैं। See you soon!